स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों का खोज का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। खोज के एग्ज़ाम के रिजल्ट के पहले मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग का अगर IIT आश्रम में एनरोल करवाना चाहते हैं तो खोज के एग्ज़ाम के रिजल्ट के बेसिस पे अगर आप 29 अक्टूबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 5% एडिशनल स्कॉलरशिप मिलेगी डिफरेंट कोर्सेज पे। सपोज अगर आपका खोज एग्ज़ाम का रिजल्ट 40% आया है, आपको 40% स्कॉलरशिप मिल रही है, तो आपको 5% एडिशनल स्कॉलरशिप दी जाएगी अगर आप 29 अक्टूबर से पहले रजिस्टर करवाते हैं तो। ओके, लेट्स मूव टू द वीडियो सॉल्यूशन। हेलो बच्चों, हम आज स्टार्ट करते हैं खोज एग्जाम का सॉल्यूशन साइंस का पार्ट केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होता है और फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है कि क्लोरीन इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इन चार कंपाउंड में ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूं HCl, तो HCl में क्या होगा, HCl में क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट्स हैज -1 चार्ज, हाइड्रोजन हैज +1 चार्ज, तो यहाँ तो ये आंसर नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है, एक ICl है, IB है और ClB है। आई और सी एल की अगर हम बात करेंगे तो क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन, तो अगर ये -1 है तो ये +1 में चला जाएगा। अब यहाँ भी क्लोरीन +7 नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि HClO4, तो HClO4 में हाइड्रोजन ऑलवेज +1 रहेगा, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, अब ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 4, ठीक है, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन के साथ चार्ज कितना बनेगा -8 और यहाँ बन गया +1, इन दोनों का रिजल्ट आता है +7, तो आंसर विल बी सेकेंड, कौन सा होना चाहिए, HClO4, क्लियर है ना, तो इसका आंसर यही रहेगा। अगर मैं ClO2O की बात करूं तो ClO2O में ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज अ लेस, तो ऑक्सीजन पे चार्ज हो जाएगा -2 और ओवरऑल यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर चार्ज आ जाएगा 1+1 2, तो यहाँ भी क्लोरीन पे चार्ज +7 नहीं है, तो आंसर हमारा क्या होगा, बी, HClO4 इज द आंसर, क्लियर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ एलॉय इज अ क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट, ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन आर गिवन, टिन एंड लेड। टिन और लेड जो होता है वो ब्रॉन्ज नहीं बनाता है, जो ब्रॉन्ज होता है उसमें क्या मिलता है हमको, कॉपर और टिन का मिक्सचर इसमें रहता है, ठीक है, तो ब्रॉन्ज अगर मुझे बनाना है तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर +10, यानी इसमें होता है Cu+Sn, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगर कॉपर प्लस जिंक, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कॉपर अगर जिंक होता है तो ये जो बनता है इस पर बनता है ब्रास, तो हमको ब्रास नहीं देखना है, हमको देखना है ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज का आंसर हो जाएगा कॉपर एंड टिन, यानी आंसर विल बी सेकेंड, यस, तो ये आंसर इसका सेकेंड हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम पर चलते हैं, यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज सब्जेक्टेड टू रोस्टिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओर प्रोसीजर, तो व्हाट इज द रोस्टिंग, रोस्टिंग, यस, रोस्टिंग क्या है, इट इज द मेथड इन विच कंसंट्रेटेड ओर इज चेंज इनटू ऑक्साइड, तो किसी भी कंसंट्रेटेड ओर को अगर हमको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो हम दो टाइप की मेथड का यूज करते हैं, एक मेथड है हमारी कैल्सिनेशन, दूसरी है रोस्टिंग। कैल्सिनेशन मेथड जनरली किसके लिए यूज होती है, ये होती है कार्बोनेट ओर के लिए, हाइड्रेटेड ओर के लिए इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, बट रोस्टिंग मेथड आर यूज फॉर द सल्फाइड ओर, यानी सल्फाइड ओर इज चेंज इनटू ऑक्साइड, वी आर यूजिंग रोस्टिंग मेथड, तो रोस्टिंग इज द मेथड इन विच कंसंट्रेटेड सल्फाइड ओर इज चेंज इनटू ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, तो किसी भी कंसंट्रेटेड सल्फाइड ओर को अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो वी कैन यूज रोस्टिंग,
रोस्टिंग में कैसा होता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई सल्फाइड है लाइक ZnS, इसको हम रोस्टिंग करते हैं तो एयर की प्रेजेंस में करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जिंक ऑक्साइड और यहाँ पर SO2 निकल जाएगा। इन दिस प्रोसेस मॉइस्चरेबल इम्प्योरिटीज, सल्फर डाइऑक्साइड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सल्फर ऑक्साइड आर रिमूव आउट एंड हियर द जिंक सल्फाइड इज चेंज इंटू मेटल ऑक्साइड। सो इट इज़ द स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसमें हम ओर को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। एक ऐसा स्टेप्स है ये वाला मेटलर्जी का जिसमें हम सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड ओर में चेंज करते हैं। इसके लिए हम रोस्टिंग मेथड का यूज़ करते हैं, और रोस्टिंग मेथड क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फाइड ओर मेटलिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। सो इसका आंसर होगा सल्फाइड ओर। ठीक है, यानी रोस्टिंग मेथड किसके लिए यूज़ होती है, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है। क्लियर है? यस, तो आंसर हो जाएगा सल्फाइड ओर। नेक्स्ट, इफ अ गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाय 3.60 लीटर एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमोस्फियर। अब ये प्रेशर है हमारा 1 एटमोस्फियर, यानी स्टार्ट पी हो गया। इसमें वॉल्यूम कितना लिया है, गैस है जिसका वॉल्यूम है हमारा 3.60 लीटर एट दिस प्रेशर P1 पर, राइट। एंड टेम्परेचर कितना दे रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक, अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। इफ अ गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाई 3.60 लीटर एंड प्रेशर इज 1 एटमोस्फियर एंड वॉट इट्स वॉल्यूम एट अ प्रेशर ऑफ 2.50। तो देखो हमको गिवन वैल्यू क्या क्या है, प्रेशर कितना दे रखा है 1 एटमोस्फियर, ठीक है, और इस पर टेम्परेचर कितना दिया है 25 डिग्री प्लस 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। वॉल्यूम कितना दे रखा है यहाँ पर 3.60 लीटर, ये कंडीशन है। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है, पूछा है कब, जब प्रेशर विल बी 2.50 एटमॉस्फियर, यानी इस पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर गैसेस लॉ अप्लाई होगा। गैसेस लॉ का कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ देयर अप्लाइड प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर विल बी कॉन्स्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्सली रिलेशन है। प्रोपोर्शनल का साइन ब्रेक करेंगे, ये कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा PV is equal to K इज अ बॉयल्स लॉ, ठीक है। For different conditions, when the temperature is constant, the new equation will be formed P1 V1 is equal to P2 V2. And अब इस जो क्वेश्चन दे रखा है तो इस क्वेश्चन में ये वाला इक्वेशन अप्लाई होगा कि प्रेशर हमारा कितना दे रखा था, P1 V1 is equal to P2 V2, P1 है 1, ठीक है, V1 कितना दे रखा है 3.6, P2 दे रखा है 2.5 एंड V2 हमको यहाँ फाइंड करना है। तो V2 इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.5। यस, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये कट हो गया, ठीक है, 36 अपॉन 25, यानी ये जो वैल्यू आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 25 यानी 1.44 लीटर वाला आंसर इसमें होना चाहिए। देखो यहाँ तो 2.25 टू से 50 होगा नहीं, 10 लीटर से आएगा नहीं, 9 लीटर पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.44 लीटर, ठीक है। यस, गुड, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 90। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन इज व्हाट इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन पार्टिकल्स। तो देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल आर इन एन एटम लाइक इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स
एंड न्यूट्रॉन एंड देयर मास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³⁻³ kg मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 × 10⁻²⁻²⁷ kg एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.675 × 10⁻²⁻²⁷ kg दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल ठीक है विच मेक्स प्रोटॉन्स एटम्स तो एटम हैज थ्री फंडामेंटल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल दैट इज जीरो चार्ज इस पर कोई चार्ज नहीं होता बट दे आर डिफरेंट इन देयर मास इलेक्ट्रॉन इज कैसा है नेग्लिजिबल मैसिव पार्टिकल देयर इज वेरी लीस्ट मास एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन हैविंग मास लाइक 1.672 × 10⁻²⁷ 1.675 × 10⁻²⁷ सो न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट पार्टिकल्स इन द एटम इट हैज मोर मास देन दैट ऑफ प्रोटॉन इट इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इज अ नेग्लिजिबली मैसिव पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन इज अ कैसा है ये हैवीएस्ट पार्टिकल्स इन द एटम अब यहां पर देखिए आप ऑप्शन दिए दे रखे हैं पहला ऑप्शन चेक करते हैं 1.67 × 10⁻²⁷ ये दो से मैच कर रहा है 1.67 − 24 ये तो है ही नहीं तो कहीं मैच नहीं कर रहा है −31 ये इलेक्ट्रॉन का है जबकि क्वेश्चन किसके लिए पूछ रहा है न्यूट्रॉन का तो ये नहीं होगा इसका आंसर और −91 तो किसी के पावर में ग्राम हो नहीं सकता तो ये भी रॉन्ग हो गया अब ये हमारा आंसर है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम होता है बट न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर तो यहाँ पर 6-7 तक ही दे रखा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.67 × 10⁻²⁷ kg किलोग्राम ठीक है यस क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट अब आते हैं नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमको फाइंड करना है तो पहले में मोल फाइंड करना होगा मोल मोल को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर मेरे पास मोल है ठीक है तो मोल को फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है मॉलिक्यूल्स ठीक है तो ये हमारे पास मोल है मोल को हम डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं वन मोल इज इक्वल टू क्या होता है 6.022 × 10⁻²³ कोई नंबर अगर है हमारे पास एटम है तो एटम के रेस्पेक्ट में ले सकते हैं मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में ले सकते हैं आयंस है तो आयंस के रेस्पेक्ट में ले सकते हैं और अगर कोई पार्टिकल्स है तो पार्टिकल के रेस्पेक्ट में भी हम वन मोल को 6.022 × 10⁻²³ के इक्वल ले सकते हैं अगर एटम है तो इट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास मॉलिक्यूल है तो इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास के रेस्पेक्ट में लेते हैं और अगर हम वॉल्यूम है तो हम इसको 22.4 लीटर के रेस्पेक्ट में भी यूज कर सकते हैं बट यहाँ पर जितने चार ऑप्शन हैं सभी में मॉलिक्यूल्स हैं और वो भी उनका यूनिट किस में मास में तो हम मोल को मास के साथ क्या करेंगे उसको हम रेफर करेंगे अब देखिए यहाँ देखो अगर मुझे मोल चाहिए तो मोल हम कैसे फाइंड करते हैं मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में करना है क्योंकि हमें मॉलिक्यूल्स में अमाउंट दे रखा है तो कैसे निकालेंगे मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ठीक है ये हो जाएगा मोल अब कितना दिया है गिवन मास यहाँ पर दिखा है 1 ग्राम और CO2 का मोलर मास कितना होता है 44 दूसरा क्वेश्चन दूसरा ऑप्शन में बात करता हूँ इसका 1 ग्राम एन टू 1 ग्राम में कितना दिया है 1 ग्राम और N2 का मास कितना है 28 तीसरा ऑप्शन सी वाला इसमें कितना दिया है 1 ग्राम और H2 का कितना होता है 2 ग्राम और फोर्थ ऑप्शन अगर हम यूज करते हैं मोल तो कितना आया 1 ग्राम और CH4 का जो मास आएगा वो आ जाएगा 16 ग्राम अब इन चारों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे ज्यादा नंबर मोल का किस में आ रहा है इसमें आ रहा है
और जिसमें मोल का नंबर ज्यादा आएगा उसका मॉलिक्यूल्स का नंबर भी ज्यादा होगा। क्यों? मोल से मॉलिक्यूल निकालना है तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे एन ए का, यहाँ जो भी आंसर आएगा एन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हम एन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ कितना एन ए आएगा? 0.5 एन ए, यानी 0.5 एन ए कैसा है, इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सबसे ज़्यादा नंबर आपके किस मॉलिक्यूल में होंगे? 0.5 में। तो आंसर होगा 1 ग्राम हाइड्रोजन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ऑल दीज गिवन ऑप्शन। ठीक है, यस। आपसे पूछा जाए सबसे कम अगर होता आंसर, तो सबसे कम किस में होता है? इसमें 1/44 में, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू में दे रखा है, यहाँ वैल्यू बहुत कम आती। तो अगर लीस्ट पूछा जाता तो आंसर हो जाता आपका फर्स्ट, और अगर मैक्सिमम पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन पूछा है कंटेन मैक्सिमम नंबर, तो आंसर विल बी सी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन हैज ओएच आयन कंसंट्रेशन इज 1×10⁻¹⁵। हमारे पास पीएच स्केल हम पढ़ते हैं, पीएच स्केल किसके बेसिस पर फेम किया गया है? एच प्लस आयन कंसंट्रेशन पर। ठीक है, यानी एच आयन कंसंट्रेशन अगर मोर तो एसिडिक नेचर विल बी मोर, एसिडिक नेचर मोर। जितना ज़्यादा एच आयन कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा? एसिडिक नेचर होगा किसी भी सब्सटेंस का। क्लियर है? अब एच और ओ एच के रेफरेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कोई भी सॉल्यूशन अगर एच और ओ एच आयन को कंटेन करता है तो वो सॉल्यूशन कैसा होता है? न्यूट्रल। और उसके कंसंट्रेशन वैल्यू होती है 1×10⁻¹⁷। ये होती है, ठीक है। तो अगर एच और ओ एच अगर इक्वल है तो सॉल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल है। इसके लिए हमने एक आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का फॉर्मेशन किया है। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कैसे निकलता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एच आयन एंड ओ एच आयन कंसंट्रेशन। इसकी वैल्यू है 1×10⁻¹⁷। ये भी हो जाएगा 1×10⁻¹⁷। इसका आंसर आएगा 1×10⁻¹⁴। तो के डब्ल्यू जो होता है हमारा, उसकी वैल्यू कितनी है? 1×10⁻¹⁴। ये होती है। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? अब देखो आप, कि क्वेश्चन में ओ एच आयन कंसंट्रेशन दे रखा है। अब देखो यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू पता है, के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है? के डब्ल्यू की वैल्यू 1×10⁻¹⁴। ये के डब्ल्यू की वैल्यू हमको गिवन है, ओ एच की वैल्यू भी गिवन है, तो एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना? यहाँ पर एच की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं ना? तो देखो करते हैं, यहाँ से देखो, देखो एच आयन की वैल्यू फाइंड करेंगे 1×10⁻¹⁴ अपॉन ओ एच माइनस। कितना दे रखा है ओ एच वैल्यू? 1×10⁻¹⁵। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1×10⁻¹⁹। एच कितना आ गया? एच आ गया 1×10⁻¹⁹। ठीक है, तो एच आयन कंसंट्रेशन जितना होता है उससे हम पी एच निकाल लेंगे, और पी एच इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन, एंड पी एच इक्वल टू माइनस लॉग 1×10⁻¹⁹। ठीक है, ये आ जाएगा पी एच इक्वल टू 9। तो आंसर क्या होगा? 9। ठीक है, क्या किया? एच ओ एच आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू हमको गिवन था 10⁻¹⁴, जिसे हम के डब्ल्यू कहते हैं। ये वैल्यू गिवन है
ये वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है, इन दोनों का यूज किया, एच का आयन कंसेंट्रेशन निकल आया। और एच आयन कंसेंट्रेशन की डायरेक्ट वैल्यू आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं पीएच स्केल से। देखो पीएच स्केल में एच आयन कंसेंट्रेशन का वैल्यू मिडिल में कितना दे रखा है, 10^-7। ये किसके लिए, न्यूट्रल के लिए, बराबर है ना, एक इसके लिए न्यूट्रल के लिए। आगे जाएंगे यहां पर दे रखा है 10^-8, 10^-9, 10^-10। तो अगर -7 है तो पीएच कितना होता है, बोलो 7। यहां पर -8 है तो पीएच कितना होता है 8, या 9 है तो कितना हो जाएगा आंसर 9। तो 10^-9 अगर आपको एच मिल गया तो आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा, टेबल से ही आ जाएगा, है ना, टेबल से आ जाएगा 10^-9, यानी पीएच कितना होगा 9। आप डायरेक्ट टेबल का यूज कर सकते हैं, लॉग की इसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना नेगेटिव पावर है 1 × में तो आपका डायरेक्ट पीएच मिलेगा, और पीएच 9 है तो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक। सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक, क्योंकि मोर देन सेवन वैल्यू होती है तो बेसिक, ठीक है। यहां आता तो आंसर आता एसिडिक, क्लियर है, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 हम डिस्कस करेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, यस, कि इफ द फॉर्मूला ऑफ क्रोमिक एसिड इज H2CrO4, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्राइवेलेंट मेटल कार्बोनेट, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला दे रखा है H2CrO4। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो ब्रेक करने पर क्या मिलेगा मुझे, H+ and CrO4 2-ion, इसको बैलेंस करेंगे, ये डाइवेलेंट नेगेटिव आयन है, ठीक है, ये है हमारा क्रोमेट आयन। अब इस क्रोमेट आयन को किसके साथ मुझे कंपाउंड बनाना है, मेटल के साथ। अब मेटल तो कोई दे रखा है कि यहां पर चार में से कोई एक मेटल हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर देखो, इन्होंने देखा कि मेटल कार्बोनेट H2 में गया CrO4 2-, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्राइवेलेंट मेटल, कैसी होना चाहिए, ट्राइवेलेंट। तो ट्राइवेलेंट मेटल ले लो, यानी उस पर चार्ज लेना पड़ेगा 3, और क्रोमेट आयन है उस पर चार्ज कितना है -2, तो ये 2 यहां शिफ्ट हो जाएगा, 3 यहां आ जाएगा, फॉर्मूला बनेगा M2CrO4 3। आंसर हो जाएगा M2CrO4 3, यस, 3 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है 1U stand for। अब U क्या है, व्हाट इज U, U इज अ एटॉमिक मास यूनिट, एंड एटॉमिक मास यूनिट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड इज द 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। कार्बन 12 का जो वन एटम है उसके मास का 1/12 पार्ट क्या कहलाता है, 1 U, और उसको 1 mU को हम आजकल U से रिप्रेजेंट करते हैं, U यानी यूनिफाइड मास ऑफ एन एटम। तो किसी भी एटम के मास को अगर हम यूनिफाइड मास से डिफाइन करते हैं तो एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास इज डिफाइन इज 1/12 मास ऑफ 1C12 कार्बन एटम। यहां कहीं ऐसा दिया हुआ है एन एटम और कार्बन, जी नहीं, एक एटम नहीं होगा, एक एटम का 1/12। अब 1/12 दो में दे रखा है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, 1/12 ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन का खुद का मास तो 1 होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा एटम चाहिए जिसका एटॉमिक मास 12 है, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और उसका 1/12 पार्ट अगर हम करेंगे दैट इज 1 यूनिट, 12th मास का 1/12 पार्ट दैट इज 1 यूनिट, एंड 1 यूनिट मास इज कॉल्ड यूनिफाइड मास, सो आंसर विल बी सेकेंड। क्या आएगा आंसर, सेकेंड आएगा, ठीक है।
यस, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइसोबार ऑफ एन एलिमेंट, व्हाट इज आइसोबार। तो दो चीजें हम यहां पर पढ़ते हैं, आइसोटोप और आइसोबार। ठीक है, आइसोटोप, आइसोटोप और पूछा हुआ है आइसोबार पे क्वेश्चन पूछा हुआ है आइसोबार। इनमें क्या होता है आइसोटोप, क्या होता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, जबकि आइसोबार में क्या होता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं। ठीक है, अब उसमें होता क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैज सेम इन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर में ये सेम होते हैं, एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर सिमिलर इन मास, ये मास में सेम होते हैं बट डिफरेंट, डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो आइसोबार एटॉमिक नंबर में डिफरेंट होंगे, क्यों, क्योंकि एटम भी डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, बस सेम किसमें है मास में। तो देखते हैं क्या चार ऑप्शन में कुछ सेट होता है, आइसोबार हैव सेम प्रोटॉन नंबर, आइसोबार हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, आइसोबार हैव सेम न्यूक्लियॉन नंबर, एटम्स ऑफ द आइसोबार ऑफ द एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये डेफिनेशन इन चार ऑप्शन में कहीं सेट ही नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं इसका दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या है, अब कोई भी दो एटम अगर आप ले लीजिए, एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, यस, एग्जाम्पल है हमारा ये ले लिया मैंने कार्बन, कार्बन 6 12 कार्बन 6 14 ये हो गया आइसोटोप, कार्बन 6 14 नाइट्रोजन 7 40 ये आइसोटोप है क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर सेम है। अब इसमें सेम क्या क्या होगा, देखो एटॉमिक नंबर 6 सेम, प्रोटॉन नंबर 6 सेम, इलेक्ट्रॉन नंबर 6 सेम, इलेक्ट्रॉन नंबर सेम हो गया, न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालते हैं 12 माइनस 4 कितना आएगा 6, ये 14 माइनस 6 कितना आएगा 8, तो न्यूट्रॉन तो क्या हो गया इसमें डिफरेंट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन नंबर जब सेम होते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टी, तो आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी सेम बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। अब यहां देखो एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट, प्रोटॉन नंबर डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन नंबर डिफरेंट, न्यूट्रॉन नंबर 14 माइनस 6 8, 14 माइनस 7 7 डिफरेंट। ठीक है, बट मास नंबर सेम, मास नंबर कितना है 14 एंड 14। अच्छा, मास नंबर को न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं, मास नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन नंबर। ठीक है, तो आइसोबार में क्या सेम है, न्यूक्लियॉन नंबर सेम है, तो क्या बोलता है एलिमेंट इज करेक्ट, एटम्स ऑफ द आइसोबार ऑफ द एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या आइसोबार में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, नहीं है, तो ये रॉन्ग। आइसोबार हैव सेम न्यूक्लियॉन नंबर, यस न्यूक्लियॉन नंबर सेम है आइसोबार में, क्योंकि न्यूक्लियॉन नंबर मतलब मास नंबर, ये ठीक है। आइसोबार हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ना, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पर, इलेक्ट्रॉन्स नंबर आर डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो विल बी डिफरेंट, तो आइसोबार की केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं हो। आइसोबार हैव द सेम प्रोटॉन नंबर, नो, प्रोटॉन नंबर इज ऑल्सो डिफरेंट, सो दे डू नॉट हैव प्रोटॉन नंबर सेम, सो आंसर विल बी सी, आइसोबार हैव सेम न्यूक्लियॉन नंबर मीन्स मास नंबर इज सेम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एन एटम हैज अ नेट चार्ज ऑफ -2, इट हैज 18 इलेक्ट्रॉन, इसने मेंशन कर रखा है,
और 20 न्यूट्रॉन, मान लो कोई एक एलिमेंट है एक्स, इस पर चार्ज दे दिया -2, ठीक, और इसका इलेक्ट्रॉन नंबर दे रखा है उसने कितना 18। अब इलेक्ट्रॉन 18 है और ऊपर से चार्ज कितना है 2। अगर ये एलिमेंट सिंपल होता विदाउट चार्ज तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैसा होता है, सेम, बिकॉज एन एटम हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन 18 है आफ्टर गेटिंग 2 - 4, इसका मतलब इस पर प्रोटॉन 16, इलेक्ट्रॉन भी 16, यानी पहले जब एलिमेंट था उसका एटॉमिक नंबर 16 रहा होगा, कितना रहा होगा 16, और इसने क्या किया दो इलेक्ट्रॉन को लेके ये किसमें कन्वर्ट हो गया X2-। तो ड्यूरिंग दिस चेंज आफ्टर गेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस बायवैलेंट नेगेटिव आयन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी चेंज फ्रॉम 16 to 18, बट प्रोटॉन विल बी सेम, प्रोटॉन तो वही रहेंगे, प्रोटॉन नेवर विल बी चेंज। अब वो कहता है 20 न्यूट्रॉन, अब वो कहता है इसका न्यूट्रॉन कितना है 20, तो न्यूट्रॉन तो यहां भी 20 ही होंगे, और जो मास नंबर पूछा है मास नंबर, तो मास नंबर क्या होता है N+P, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो कितना आना चाहिए 36, क्योंकि जब कोई मास नंबर की बात करते हैं न्यूक्लियन नंबर की बात करते हैं तो न्यूक्लियन नंबर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं आता, तो आंसर रहेगा आपका 36। क्या आएगा 36, प्रोटॉन 16, न्यूट्रॉन 20 + 16, दैट इज 36, आंसर विल बी सेकेंड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब। अ रिड्यूसिंग एजेंट इन अ रेडॉक्स रिएक्शन अंडरगोस, ठीक है, अब कोई भी रिएक्शन अगर रेडॉक्स है तो रेडॉक्स रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि वो रेडॉक्स रिएक्शन हो गई, बराबर है, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रेडॉक्स रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी, कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले यहां पर मैं लेता हूं रिडक्शन और यहां लेता हूं मैं ऑक्सीडेशन। अगर मुझे रिडक्शन को डिफाइन करना होगा तो कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर क्या करते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा यहां अगर हम हाइड्रोजन की बात किया रिडक्शन, अब यहां लिखेंगे हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां क्या हो जाएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तीसरा हम बात कर सकते हैं इंक्रीजिंग, ये हाँ यहां पर आएगा डिक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट। अब यहां कुछ चेंज होता है क्या, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो डिक्रीजिंग अगर ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है मतलब उसमें क्या हो रहा है रिडक्शन, क्लियर है, बट यहां रिडॉक्स रिएक्शन में पूछा है कि रिड्यूसिंग एजेंट की बात करता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर बट इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करेंगे मतलब दूसरे की ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज करेंगे, और खुद कैसे होंगे इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है कि खुद की ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगी इंक्रीजिंग, खुद की ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगी इंक्रीजिंग, बराबर है ना, खुद का ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होगा इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इनका इंक्रीज हो जाएगा।
खुद का, ठीक है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो रॉन्ग है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यस ये हो सकता है। अब जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उस समय क्या होता है, चौथा पॉइंट, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तब क्या होता है, इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर है तो इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट में दो करेक्टरिस्टिक मिलेंगे आपको, इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोथ प्रोसेस आर टेक्स प्लेस इन रिड्यूसिंग एजेंट, सो द आंसर विल बी डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगी बराबर, और उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा, क्या होगा, लॉस। तो ये 27 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, 28 की, यस 28 में आ जाइए। इन द गिवन फिगर द रेड ब्राउन गैस इवॉल्व, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। अभी एक टेस्ट ट्यूब दे रखा है, लेड नाइट्रेट, क्या है ये, लेड नाइट्रेट, क्या फॉर्मूला है, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको हमें क्या करना है, थर्मल डिकम्पोज करना है। तो जब ये टूटता है तब क्या बनाता है, PbO+NO2+O2, इस तरह से ये टूटता है, NO3 ट्वाइस है, ये ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, यस। तो PbO+NO2 ये बनता है। तो यहां पर जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्या होती है यहां पर, नाइट्रोजन ऑक्साइड। आप इसको बैलेंस कर सकते हो, 3 2 6, ये 2 2 4, इसको ट्वाइस करके ये कर सकते हो आप ऐसा, और ये हम फिर कितना हो जाएगा, फोर, ठीक है, 3 2 6 6 4, यस, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है हमारा लेड नाइट्रेट, ये क्या है, लेड नाइट्रेट। इस लेड नाइट्रेट को अगर हम थर्मली डिकम्पोज करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, थर्मली डिकम्पोज में, ठीक है, क्या मिलता है, मुझे मिलता है ट्वाइस PbO, 4 NO2+O2। ये जो गैस होती है ये रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। तो रेडिश ब्राउन कलर की गैस कौन सी है, 4 NO2, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, मिल्क इज, अब मिल्क क्या है, व्हाट इज मिल्क, मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, ठीक है, और इस हेट्रोजीनस मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो टाइप की फेज बनती है इसमें, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। मिल्क में दोनों कैसे होते हैं, सेम फेज में होते हैं, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम बोथ आर इन लिक्विड फेज, दे मेक इमल्सन, ठीक है। तो यहाँ पर जो फैट आ रहा है, यानी मिल्क जो होता है उसमें फैट होता है, तो डिजोल्व किस में होता है, वाटर में, तो हम लिखेंगे फैट डिस्पर्स इन वाटर। यहाँ पर फैट कैसा है, डिस्पर्स फेज, और वाटर क्या है आपका, डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। ये कैसा है आपका, डिस्पर्शन मीडियम, और ये है आपका डिस्पर्सन मीडियम, ये डिस्पर्शन मीडियम है आपका वाटर, और फैट इसमें डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज। तो डिस्पर्स फेज इन डिस्पर्शन मीडियम, दैट इज फैट इज डिस्पर्स फेज, वाटर इज अ डिस्पर्शन मीडियम, इट मेक इमल्सन, एंड इमल्सन इज अ मिल्क, दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, यस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिल्क, तो मिल्क क्या है, इज एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, इट मेक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, एंड इन दिस सॉल्यूशन द फैट डिस्पर्स इन वाटर, ठीक है, दैट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन, क्लियर है।
ओके, तो आंसर क्या आएगा इसमें? ए, 29 का ए। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन Al2SO4। एल्यूमिनियम सल्फेट का आपको क्या करना है? परसेंटेज फाइंड करना है। किसका करना है? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर तीन एलिमेंट हैं, एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन। हम तीनों का परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। अगर एल्यूमिनियम का परसेंटेज फाइंड करना है तो एल्यूमिनियम का कितना है? 2 मास, और एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम ले सकते हैं, ठीक है, अपॉन टोटल मास, टोटल टोटल मास ऑफ कंपाउंड यहां ले लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। अगर सल्फर का चाहिए परसेंटेज तो सल्फर कितने हैं यहां पर? 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर ऑक्सीजन का चाहिए तो ऑक्सीजन कितने हैं? 4 3 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, ठीक है। क्या किसका करना है मुझे? कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ये वाला हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, करते हैं। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास यहां कितना है? ऑक्सीजन है यहां पर 12, तो 12 ले लेंगे, ठीक। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16 ले लेंगे। और Al2SO4 होल थ्राइस, इसका टोटल मास हमको कैलकुलेट करना है। देखो कैसे करेंगे, एल्यूमिनियम कितने हैं यहां पर? 2 एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम कितना होगा? 27 × 2, ठीक है, कितना हो जाएगा? 54। इसके बाद सल्फर कितने हैं? 3, S3 है, 3S, यानी 32 × 3, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9। ऑक्सीजन कितने? 12, ऑक्सीजन 12 है, तो हो जाएगा 12 × 60, ठीक है, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? जैसा हो जाएगा, ठीक है, 342, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे आप, 56.14 आ जाएगा, ये आंसर है 54.6। तो 12 14 16 20, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट होता है 10th स्टैंडर्ड का खोज एग्जाम। आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस डिस्कस हो गए होंगे और आपने परफॉर्म अच्छा किया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।